लगातार 30 सेकंड में हर खबर डाउनलोड कीजिए तक ऐप। अभी मैं हर महीना बैंकों की क्लास लेता हूं, ये भी रहते हैं उमाकांत उमराव और बेलवाल जी भी। बैंकों की क्लास कितना दिया तुमने पैसा, बैंक लिंकेज मिला कि नहीं स्व सहायता समूहों को, डंडा लेके पीछे पड़ा हूं। तब आज 300 करोड़ रुपया बहनों के खाते में डाल रहे हैं और हर महीने डालते रहेंगे मेरी बहनों, चिंता मत करना, ब्याज की सब्सिडी भी देंगे, बैंकों से पैसा भी दिलाएंगे और तुम्हारे बनाए हुए प्रोडक्ट की मार्केटिंग भी करेंगे और पैकेजिंग करने में भी सहयोग देंगे। मैं हर महीने बैंकों की क्लास लेता हूं, उनसे पूछता हूं कि तुमने कितना पैसा दिया स्व सहायता समूह को, बैंक लिंकेज मिला कि नहीं, डंडा लेकर पीछे पड़ा हूं। ये कहना है मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान का। दरअसल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में बनाए गए स्व सहायता समूह के सदस्यों को लगभग 300 करोड़ रुपए के बैंक लोन का आज वितरण किया। इसी दौरान सीएम शिवराज ने कहा कि मैं हर महीने बैंकों की क्लास लेता हूं, उनसे पूछता हूं कि तुमने कितना पैसा दिया स्व सहायता समूह को, बैंक लिंकेज मिला कि नहीं, मैं डंडा लेकर बैंकों के पीछे पड़ा हुआ हूं, तब जाकर आज 300 करोड़ रुपए बहनों के खातों में डल रहे हैं, ये पैसा हर महीने यूं ही डलता रहेगा। 40 लाख के आसपास बहनों को जोड़ने में सफलता प्राप्त की है। अभी मैं हर महीना बैंकों की क्लास लेता हूं, ये भी रहते हैं उमाकांत उमराव और बेलवाल जी भी। बैंकों की क्लास कितना दिया तुमने पैसा, बैंक लिंकेज मिला कि नहीं स्व सहायता समूहों को, डंडा लेके पीछे पड़ा हूं। तब आज 300 करोड़ रुपया बहनों के खाते में डाल रहे हैं और हर महीने डालते रहेंगे मेरी बहनों, चिंता मत करना, ब्याज की सब्सिडी भी देंगे, बैंकों से पैसा भी दिलाएंगे और तुम्हारे बनाए हुए प्रोडक्ट की मार्केटिंग भी करेंगे और पैकेजिंग करने में भी सहयोग देंगे। साथ ही सीएम शिवराज ने कहा कि बचपन से ही उन्होंने बेटे और बेटियों के बीच भेदभाव होते देखा है, तभी से दिमाग में ये बात बैठ गई थी कि माँ बहन और बेटी के सशक्तिकरण के लिए हर संभव कार्य करना है। इसीलिए पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम और दूसरे चुनावों में 50% पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए। यदि ऐसा नहीं करता तो क्या महिलाएं इतनी संख्या में सरपंच, मेयर और अध्यक्ष बनती? ऐसा नहीं करते तो साहब कहते घर में बैठ चुनाव तो मैं लड़ रहा हूं। आज साहब प्रचार करते हैं और कहते हैं कि मेरी श्रीमती चुनाव लड़ रही है, ये बड़ा सामाजिक परिवर्तन है। शिक्षक जैसी नौकरियों में अगर भर्ती होगी तो हमने तय कर दिया 50% भर्ती बेटियों की ही होगी, आधे बेटा आधे बेटी। बेटियों को रिजर्वेशन दे दिया ताकि बेटियां शिक्षक बने। हमने ये भी तय किया कि 30% नौकरियों में पुलिस की बेटियों को आरक्षण, मतलब अब 100 में से 30 पुलिस की भर्ती जब भी होगी तो 30 भर्ती बेटियों की करनी ही पड़ेगी। आपको बता दें कि इस पूरे कार्यक्रम के दौरान सीएम शिवराज ने यह भी कहा कि सरकार द्वारा ऋण की सुविधा दी जा रही है, उनकी सुविधा लो, साहूकारों से पैसे लेने की कोई जरूरत नहीं है, सूदखोरों के चक्कर में हमको नहीं पड़ना है, नहीं तो वो हमें बर्बाद कर देंगे। साथ ही सीएम शिवराज ने कहा कि स्व सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को चिंता नहीं करनी है, उन्हें ब्याज की सब्सिडी भी मिलेगी, बैंकों से पैसा भी मिलेगा और जो प्रोडक्ट है उसकी मार्केटिंग करने की जिम्मेदारी भी सरकार खुद लेगी। और इसी के साथ आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत बनाए गए स्व सहायता समूह के सदस्यों को लगभग 300 करोड़ रुपए के बैंक लोन का वितरण इस कार्यक्रम में किया था। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।